Welcome to Creative Adda official interview page. We are doing a guftagu with Subrata sir, and he's one of the most famous. You are one of the most famous actors. Have done over a number of 45 movies that you have done in Bollywood and in Bengali, and we are interacting with you just to have a learning that how can we take it forward, or how was your journey? बिकॉज एक दूसरे से ही हम सीखते हैं और आप सबसे सीखने को ही हमें मिल रहा है, तो बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए आज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड यू निखिल स्पेशली एंड योर क्रिएटिव कंपनी फॉर कॉलिंग मी. आई एम रियली ऑनर्ड बिकॉज हैप्पी क्वारंटाइन चल रहा है, सो आई शुड टेल एवरीबॉडी स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड स्टे फिट. एंड जर्नी, यू सी, आई नेवर थॉट दैट आई वुड बी एन एक्टर. So till 10 plus 2, I was thinking, what should I do? I was a zoology student. I was doing MBA. I was doing working in a hospital, working in NGO in Shamshan. So I was a little bit confused. And at that stage, सारे लोग confused होते ही हैं कि करना क्या है. So उस दौरान एक 40 दिन का workshop हुआ बहरमपुर में from राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, from National School of Drama. मुझे लगता है उस 40 दिन का workshop, उसके पहले मैं जात्रा folk form सारा वगैरह करता था. कुछ कुछ उस उम्र में होता है कि आप लड़कियों के नजदीक पहुंचना चाहते हैं तो थोड़ा सा डांस भी सीखते हैं, क्लासिकल डांस, वो सब भी चल रहा था. एंड देन आई थॉट कि ओके, दिस इज दैट वर्कशॉप वाज रियली आई ओपनिंग फॉर मी. सो देन आई गॉट दैट रियल अकॉर्ड कि जिसको बोलते ना सुर मिल गया कि अब जिंदगी में करना क्या है. क्योंकि आई एम नॉट ए सो कॉल्ड गुड लुकिंग पर्सन, सो मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि यू आर सो हम्बल, यू आर सेइंग दिस, अदरवाइज यू आर सो गुड लुकिंग. नो, मुझे आइडिया नहीं था. मुझे लगा कि भाई एक्टर होने से क्या होता है कि आपको बहुत ही सुदर्शन सुपुरुष होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता था उस दौरान. देन आई गेट टू नो कि नहीं, एक्टिंग इज एन आर्ट. जैसे एक लोग एसी ठीक करना जानता है, एक बाइक ठीक करता है, एक ड्राइविंग होता है. सो हाँ, आपके पास कुछ चीजें होती है, रिफ्लेक्स एक्शन, कुछ इच्छाएं जो, या आप अगर 24/7 वेरी गुड ऑब्जर्वर, वो आप पैदाशी होता है. लेकिन आप एक्टर हो सकते हैं या पेंटर हो सकते हैं या राइटर हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर किस दिशा में आप जाना चाहते हैं. तो मुझे लगता है कि उस वर्कशॉप में मेरे को लगा कि ओके, लेट्स एक्सप्लोर दिस प्रोफेशन. एंड उसके बाद मैंने एनएसजी का एग्जाम दिया और एनएसजी के एग्जाम में भी मेरा पहली बार सिलेक्शन हो गया. एंड देन द जर्नी स्टार्टेड. इट नॉट प्रेशर कि मुझे एक्टर बनना है. इट वाज वेरी वेरी ऑर्गेनिकली. आई नेवर थॉट कि आई वुड बी अ फिल्म एक्टर. आई थॉट कि ओके, आई हैव टू डू थिएटर. So I will do theater in my state and in all over the India, because National School of Drama means I have friends in Jalandhar, I have friends in Chandigarh, everywhere, all over India and sometimes abroad. And suddenly one thing happened. I got another scholarship from Charles Wallace Trust. So I went to London and then again Paris, then again came back. So all things are happening with me simultaneously. Then suddenly I got two films, one in Bengali, one in Hindi. Then I dropped into Mumbai. Sir, talking about your NSD interview, so how, lot of people have this inhibition na ke pata nahi kya hi hota hoga us test mein, us interview, because acting karna yahan par chote drama schools mein jana ya theater karna aur uske baad NSD jana is a flip in itself. Family ko batana ki haan, abhi jo main sham ko 5 se 7 kar raha tha, ab main wo 9 se 5 karna chahta hu. तो 9 से 5 नहीं, 8 से रात 12 बजे तक. रात को 12 बजे तक, मतलब उससे मैं अपनी लाइफ चलाना चाहता हूं, इज अ डिफिकल्ट थिंग. तो आपको क्या लगता है कि हाउ टू सेंस दैट कि आई हैव इट, और इफ, और कितना मुश्किल था आपके लिए वो जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एंट्रेंस था, वो कैसा था? देखो ब्रदर, अगर नेशनल स्कूल ड्रामा में मेरा नहीं होता तो मैं शायद इस प्रोफेशन को मैं करियर नहीं कर पाता. मैं एमबीए पे फिर वापस चला जाता. मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एग्जाम देने के लिए आया था. I don't take it so seriously, but I was honest. You see, to be an actor, आप खराब आदमी बन सकते हो, अच्छा आदमी हो सकते हो. एक्टर बनने के लिए अच्छा आदमी होना जरूरी है, बट कैरेक्टर के लिए ऑनेस्ट होना जरूरी है. दैट ऑनेस्टी मुझे लगता है कि एनएसडी में मेरे से बहुत अच्छे एक्टरों को भी हो नहीं पाता. इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑनेस्टी लैक करता है. आप 13-14 आदमी के सामने देते हैं, आदमी मीन्स मतलब मेल फीमेल, वो टीचर्स के सामने आप एग्जाम देते हैं,
कहीं ना कहीं आप अगर सच नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वो पकड़ा जाता है, तब वो लोग लेते नहीं है। वो देखते नहीं कि आप कितना अच्छा एक्टर है, कितना बुरा एक्टर है, वो देखते हैं कि हाउ गुड यू आर इन योर ऑनेस्टी, हाउ ऑनेस्ट यू आर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो उससे पहले बस आपने वो 40 डेज का वर्कशॉप ही किया था? वर्कशॉप किया था, काफी प्लेस किया था, प्लेस मतलब फोक फॉर्म में यात्राज किया था, डांस ड्रामा किया था, डांस सीख रहा था, बहुत कुछ एक साथ कर रहा था, जैसे एक लड़का करता है एक एक छोटे से शहर में। आप डांस भी करते हो, लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, यू नो, आप यात्रा भी करते हो, उस दौरान जिंदगी का आधा हिस्सा लगता है कि लड़की को इम्प्रेस कर दो पहले, बाकी तो देखा जाएगा। सो उस दौरान से मैं एक्चुअली उस दौरान मैं हर इंसान के साथ होता है, लड़कियों के भी होता है, तो उस दौर से मैं गुजर रहा था। मतलब आई थिंक दैट वाज 17, 18, 19, 20, मुझे 21 साल मुझे ऐसा लगता है उस दौर में से गुजर रहा था। तो मेरे अब मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था कि मैं जूलॉजी का स्टूडेंट था, लिटरेचर में मेरा मतलब मैं बिल्कुल जीरो था, मतलब जीरो मतलब मैं स्टोरी बुक पढ़ता था बट सो कॉल्ड लिटरेचर मैंने ऐसा पढ़ा नहीं था, बट बाकी टैगोर वगैरह ऐसा तो पढ़ ही लिया था, तो कोर्स में होते हैं या कोर्स शेक्सपियर, बट ऐसा नहीं कि मैं बहुत किताबें पढ़ता था उस समय। तो मंटू की एक दो कहानी पढ़ी थी, प्रेमचंद की दो तीन भी ट्रांसलेशन बंगाली में, बट आई वॉज ऑनेस्ट आई थिंक समहाउ। How was early life in Kolkata, like in Bengal, like in particular? Because Bengalis, it's a rich culture. So, ये सब पढ़ना, लिखना और books पढ़ना and हाँ, ये सब तो culture में ही है, बहुत enriched है। हाँ, books पढ़ता था, लेकिन वो जैसे birthday में books gift कर देते हैं या किसी के पास summer vacation में हम लोग books पढ़ते थे, क्योंकि picture allowed नहीं था घर में देखना, बाहर जाके देखना, तब तो घर में टीवी भी नहीं था, टीवी में सिर्फ वो दूरदर्शन में आता था, सो वो भी ब्लैक एंड व्हाइट, सो इट वाज, सो हमारे लिए था कि रेडियो एंड रेडियो ड्रामा एंड किताब, तो किताबें उस बहाने में बहुत सारी किताबें पढ़ ली थी, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बहुत यू नो कि बहुत स्टूडियस आदमी था। मैं मैथमेटिक्स में अच्छा था, जूलॉजी में अच्छा था, हाँ बंगाली होने के नाते आसपास चारों तरफ कुछ ना कुछ होता ही रहता था, यू नो, गाने का प्रोग्राम, संगीत का प्रोग्राम, सितार का प्रोग्राम, उसमें आप लोग वॉलंटियर होते थे, लेकिन हमें समझ में नहीं आता था, हम तो बाहर ही खड़े होकर कुछ और बतियाते थे, वो क्लासिकल प्रोग्राम समझ में नहीं आता था, इसी हो रहा है ठीक है होने दो, बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसका असर तो बाद में हुआ ये मुझे लगता है। हाउ वाज द कल्चरल शिफ्ट जब आप एनएसडी से लंदन, आपको स्कॉलरशिप मिला, यू वेंट टू लंदन, तो कल्चरली ट्रेडिशनली एंड हाउ एक्टिंगली, मतलब मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक्टिंग एज अ आर्ट is same in both places, कि वहां उसका भी कुछ different है, उसमें मतलब expression या जो भी हम acting करते हैं उसमें भी कुछ ऐसा है जो यहाँ नहीं है, या यहाँ ज्यादा है वहां कम है? तो first मैं बोलूँ कि दिल्ली में I don't know Hindi at all, मैं अंग्रेजी बोल भी नहीं पाता था, तो सिर्फ मैं बंगाली जानता था, so सबसे पहले cultural confusion या cultural conflict हुआ दिल्ली में आके, so 1.5 year I was like dumb, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। सो प्रीतपाल था पंजाब से, सुमन वैद्या, नवाज, स्वानंद किरकिरे, नवाज मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नवाज, स्वानंद किरकिरे, गीतांजलि, तो सब मुझे हिंदी सिखाते थे, और मैं अंग्रेजी लिख पाता था क्योंकि मैं अंग्रेजी में एग्जाम देता था, तो दैट वाज लाइक ह्यूज ह्यूज फॉर मी, ह्यूज मतलब मुझे लगा कि मैं एनएसडी क्यों आ गया यार, ये तो मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू नो, मेरे लिए कल्चरल शॉक था, मैं रोटी नहीं खाता हूँ वहाँ पे जाके, यू नो, तंदूरी रोटी, मैं चावल वाला अच्छा था, तो खाने का प्रॉब्लम, गर्मी, इतनी ठंड, ठंड तो हमारे वहाँ गर्मी हमारे वहाँ होती थी, मैं बांकुड़ा से, बांकुड़ा गर्मी, लेकिन इतनी ठंड नहीं होती थी, वेदर सब मिला के 1.5 year मैं बहुत प्रॉब्लम में था, प्रॉब्लम मीन्स मैं अपने आप के साथ जूझ रहा था, एवरीथिंग वॉज सो न्यू सो गुड एंड मैं वो नहीं कर पा रहा था, एंड स्लोली स्लोली मैं ओ आ से शुरू किया हिंदी, एंड आज मैं हिंदी बोल लेता हूँ, और बहुत अच्छी बोल लेते हैं, नहीं ठीक ठाक बोल लेता हूँ, सो एनीवे देन उर्दू तालीम लिया, एंड धीरे 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 मैंने 35 नाटकों में एनएसडी किया, एनएसडी रेपर्टरी में काम किया, और 35 नाटकों में मैंने मेन रोल किया, उसमें से रास्ते की किताब में जो फोटोज है उसमें से मैं एक हूँ, यवक्री का फोटोग्राफ, अग्नि और बरखा उसमें मेरा फोटोग्राफ्स है फर्स्ट का, उसके बाद अजीजुन्निसा सन 57 के किस्सा किताबों में, तो तीन किताबों में फोटोग्राफ्स है, सो दैट वे आई एम हैप्पी कि मैं मरने के बाद वो कवर पेज में मेरा फोटोग्राफ्स रहेगा, लेगेसी छोड़कर जाएंगे, तो लेगेसी छोड़कर एज ए बंगाली किसी के पास इतना नहीं है, क्योंकि मैं पहला बंगाली हूँ जो इतने नाटकों में रोल किए, इवन मोर देन सीमा विश्वास, सो क्योंकि सीमा दी को रोल मिलना शुरू हुआ एनएसडी रेपर्टरी में, एनएसडी में नहीं मिला, जो बैंडेड क्विन की सीमा दी,
और उसके बाद एनएससी रेपेट्री में भी रोल किया. एंड देन द डिफरेंस बिटवीन लंडन एंड इंडियन एक्टिंग. इंडियन एक्टिंग में क्या होता है, इंडियन एक्टिंग में हम लोग हाथ का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं. जैसे मैं अभी बात करता हूँ, मैं हाथ का कर रहा हूँ, वहां पे जैसे कोई होता है तो वो लोग हाथ को नहीं करते. वो लोग नॉर्मली यू नो हाथ का या तो जेब में या तो हाथ का सिर्फ हाथ में साइड में रखना. सो अगर हम बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं वहां नहीं जाऊंगा, सो बोला व्हाई यूजिंग योर हैंड्स, व्हाई यूजिंग योर हैंड्स ओनली स्टे, मैं वहां नहीं जाऊंगा, दैट इज इनफ. व्हाई यू आर सेइंग थ्रू हैंड्स एंड थ्रू योर थ्रू डायलॉग्स आल्सो, आइदर से कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, सो से मैं वहां नहीं जाऊंगा, एंड से थ्रू योर आईज, डोंट यूज योर हैंड्स. जो हाथ में आ रहा है वो आपके आंखों में आना चाहिए. सो काइंड ऑफ दैट, सो मेजर वो. और वहां पे क्या होता है, जैसे मैं एक प्ले कर रहा हूँ, मान लीजिए उसमें तीन कैरेक्टर है, सो तीन कैरेक्टर के लिए तीन, अगर प्रोफेशनल प्ले कर रहा है तो तीन कैरेक्टर के लिए रॉयल शेक्सपियर कंपनी, तो उसमें तीन ट्रेनर रहेगा, समझ रहे ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. एक डायरेक्टर रहेगा, उनका एक असिस्टेंट रहेगा. तो डायरेक्टर चुपचाप बैठ के एसोसिएट को बोलेगा कि ये प्रॉब्लम है, एसोसिएट एक्टर को नहीं बोलेगा, वो एक्टर का जो ट्रेनर है उसको बोलेगा. सो दैट एक्टर डिडंट गेट डिस्टर्ब. समटाइम्स क्या होता है, अरे बहुत बोलता है, डर जाता है एक्टर कि यार यार ये करूंगा तो डायरेक्टर डांटेगा. सो वो लोग एक चैनल कर दिया. सो चैनल से क्या होता है, काफी सॉफ्ट हो जाता है. तो एसोसिएट डायरेक्टर आराम से, एसोसिएट डायरेक्टर ही रिहर्सल का टाइम अरेंज करेंगे, जैसे जैसे हमारे फिल्मों में होता है एसोसिएट डायरेक्टर का काम. सो और जो ट्रेनर है वो उसकी जवाबदेही है, वो भाई साहब बोलेगा कि इस वजह से ये नहीं कर पा रहा है. ओके, गॉट इट, गॉट इट. उसको ऐसी तैसी कर देंगे, फिर वो बोलेंगे नहीं नहीं वो एक्चुअली ये है, तो ही नीड्स टाइम फॉर टू डेज अनदर थ्री डेज. सो इट्स ऑल अबाउट चैनलाइजिंग. सो हमारे वो सिस्टम में ये दो मेजर मुझे लगा कि सो दे वोंट ब्लेम कैरेक्टर के लिए, दे वोंट ब्लेम एन एक्टर, रादर दे विल फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर इट. या इट्स नॉट ब्लेमिंग, इट्स देयर इज अ पर्सन हु इज गिविंग ट्रेनिंग फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर. यू नो अगर मुझे पंजाब का एक्सेंट चाहिए तो मान लीजिए कि आपको बुला लिया, किसी और को बुला लिया कि भाई इसको पंजाबी एक्सेंट सिखाओ, वो एक्सेंट अगर नहीं आ रहा है तो मुझे नहीं बोलेंगे, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप यू आर गेटिंग पेड फॉर दैट. सो निखिल विल जवाबदेही, आप देंगे उनको जवाब, मैं नहीं. बहुत बहुत. सर हाउ वाज द फर्स्ट ब्रेक थ्रू, और जब आप मतलब लंदन से सीखकर आए, एंड तो वो स्ट्रगलिंग पीरियड जो ऑफन इट इज सेड के वो फोटोज लेकर जाना होता है या स्क्रीनिंग देना होता है तो कास्टिंग करना होता है, आजकल तो फोटोग्राफ्स लेके होता नहीं, आजकल आप डिजिटाइज्ड आप मेल कर देते हो. सो वो मुझे वो एंजॉय इसलिए कर रहा था, मैं बंबई को भी पहचान रहा था, मैं मुझे मुंबई के बारे में कुछ आइडिया नहीं था. सो वेस्ट कौन सा है, ईस्ट कौन सा है, कैसे कहाँ से कहाँ जाते हैं. आज मैं कार उठाता हूँ 5 मिनट में चला जाता, वो मुझे 2 घंटा लगता था क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं था. एक ऑटो शेयरिंग ऑटो लिया, फिर रास्ता क्रॉस किया, फिर रेल लाइन क्रॉस किया, फिर एक बस लिया. उस जगह पे जाने के लिए बस की 2 बसें होती थी अंधेरी जाने के लिए. खाना भी घर में खा लो ताकि बाहर ना खाना पड़े, क्योंकि बाहर कहाँ कहाँ खाना मिलता है मुझे आइडिया ही नहीं था. सो दैट वॉज काइंड ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ मुंबई, नॉट काइंड ऑफ स्ट्रगल. आई वॉज एंजॉइंग, यू नो आई वॉज एंजॉइंग, आई ऑलवेज एंजॉय, आई एम ऑल्सो एंजॉइंग क्वारंटाइन, क्योंकि क्वारंटाइन में मैं हर रोज योगा करके फेसबुक पेज में लाइव आता हूँ. टुडे वॉज द मोर देन 40 डेज, बट ऑफिशियली 37th डे. सो मैं इसको जितना पॉजिटिवली काम पे लगाया जाए मेरे लिए, और खुद के साथ खुद में वार्तालाप कर रहा हूँ, आई स्टे अलोन. सो यू नो इट्स अ काइंड ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ माय ओन सेल्फ. इट्स नॉट फिजिकली डिटॉक्सिफिकेशन, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट, नॉट ओनली एन एक्टर एंड इवन ह्यूमन बीइंग लाइक यू पीपल. तुम लोग जो आप लोग जो जिस एज से गुजर रहे हो, यू डोंट नो व्हाट यू शुड डू बिकॉज यू आर द गुरु ऑफ योर सेल्फ. नोबडी इज गुरु, दे कैन गाइड यू, दे आर गाइड, गुरु नहीं है. क्योंकि देखिए मैराडोना भी फुटबॉल खेलना आता है, रोनाल्डो को भी आता है, मैसी को भी आता है, सबको फुटबॉल खेलना आता है, लेकिन उनके पास क्या स्पेशलिटी, क्या खुद अचीव किया जिसके लिए स्पेशल, मैराडोना हो, मैसी हो, पेले हो. सो एवरीबॉडी इज देयर ओन गुरु. गुरु इज जो कहते हैं वो गाइडेड, गुरु गाइड करता है कि आप करके देखो, अगर अच्छा लगे तो कीप इट, अदर डिस्कार्ड इट. अच्छा गुरु वही होता है तो बोलते करके देखो, अगर नहीं हो रहा है तो, क्योंकि ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक, which is suitable for you according to your own background, you know, body pattern, thinking pattern, your personal relationship, family relationship. It's very, very unique. So you
मुझे तो ये लगता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गाइड एंड गुरु, इसीलिए एकलव्य है, नहीं तो एकलव्य का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता ना। एकलव्य क्या किया, उसको गाइडेड नहीं था, बट गुरु वो खुद का था। सो मुझे लगता है अर्जुन भी एग्जिस्ट करता है तो एकलव्य भी एग्जिस्ट करता है, इसीलिए माइथोलॉजी में दोनों को सेम प्राधान्य, दोनों भी महान थे अपने अपने विधाओं में, कलाओं में। सर एज एन एक्टर यू पीपल हैव अ प्रिविलेज कि आपको इतना कुछ पढ़ने को मिलता है, या आपका काम ही ये है कि आपको इतने थिएटर इतने प्लेज करने को मिलते हैं, तो यू आर मोर एनरिच्ड गिविंग इट टू योर जनरेशन, अपने बच्चों को आप जो सिखाते हैं, तो इन दैट वे यू फील दैट एक्टिंग एज अ करियर इज वेरी ब्लेस्ड कि इतना कुछ, क्योंकि अगर एक बैंक में जो जॉब करता है वो बेचारा 9 से 5 के बाद कोशिश करेगा सीखने का, बट आपका काम ही ऐसा है कि पुरानी वो अच्छी से अच्छी चीज जो दुनिया में सबसे अच्छा होगा वो लोगों को दिखाना है, या उसको पढ़ना है, या उसमें काम करना है, उससे जुड़ना है, तो यू आर यू फील दैट वे एज एन एक्टर इट्स ब्लेसिंग। दैट वे वी आर प्रिविलेज क्योंकि हमारा एनएसजी में हमको ले लिया, क्योंकि ये सबको मौका नहीं मिलता अच्छा होने के, अच्छा एक्टर होने के बावजूद भी, अच्छा डायरेक्टर होने के बावजूद भी, उसके हमारे पास इतने बड़े लाइब्रेरी, इट्स अ ह्यूज लाइब्रेरी, और अभी भी जाके लाइब्रेरी से कुछ भी हम जेरॉक्स करके ला सकते हैं। बट एज फार एज प्रोफेशनल फिल्म एक्टर इज कंसर्न यहाँ पे, लेकिन जैसे क्वारंटाइन चल रहा है, जो बैंक मैनेजर है उसको पैसा मिलेगा, हम लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, एंड मार्केट में जो इतने पैसे पड़ रहे हैं हम किसी को मांग भी नहीं सकते, बिकॉज लाइफ इज लाइक दैट। सो फ्रीलांसर इज ऑलवेज फ्रीलांसर। प्रिविलेज की हम अपने बॉडी पे ध्यान दे सकते हैं, बहुत कुछ हम लोग अपने मन मुताबिक काम कर सकते हैं, बट उस हिसाब से क्या होता है कि एक्टर उस वक्त तक चलता है जब तक वो काम कर सकता है। और यू नो, आपके घर में मान लीजिए कि आपकी बहन की शादी है और आप उसमें एक्टिंग कर रहे हो कि बेटी मर गई है, सो द जर्नी, you are always on the edge of a knife, it's always black and white, then you have to do the character. Subah 7 baje na ke dhoke gaye, 8 baje makeup karke 9 baje kisi ko marna ho raha hai, ya kisi se maar khana ho raha hai, ya kuch emotional scene karna hai, so it's difficult. Usme aapko kya hota hai, mentally strain padta hai, nervous system mein strain padta hai, isliye bahut sara actor aap dekhenge ki pagal normal ke beecho beech rehta hai, matlab हाफ पागल हाफ नॉर्मल, इट्स वेरी वेरी कॉमन थिंग। बहुत एक्टर्स नशे की आदत डाल लेते हैं, क्योंकि आप हमेशा अपने आप को एडजस्ट करो रियल और रील, और आपको पता नहीं कि ये जो रील का है ये कब तक एग्जिस्ट करेगा, जिसके वजह से राजेश खन्ना का जो अंतिम पड़ाव, जो अंतिम समय था, बहुत ही खराब गुजरा, क्योंकि इतने बड़े सुपरस्टार थे, या गोविंदा जी का जो समय चल रहा है। सो कहीं ना कहीं आपको धर्मेंद्र जैसा मानना पड़ेगा कि आई एम नॉट ए स्टार नाउ, जैसे धर्मेंद्र पाजी को मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, इसलिए वो अपना जाके भैंसे वो कर रहे हैं, गोभी उगा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। तो इसी ये जो जिल है, ये जो अपने आप को पहचान, इसलिए बोलता हूँ कि आप गुरु हो, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग गलत फहमी में फंसे रह जाते हैं। ये आप कौन सा, आप सचमुच प्रोफेशनल एक्टर बन सकते हो नहीं बन सकते हो, ये एक्ट्रेस, दैट यू कैन ओनली से, नोबडी नोज। और सर अमंग ऑल द मूवीज दैट यू हैव डन, बंगाली और हिंदी फिल्म्स, व्हिच इज वन ऑफ योर फेवरेट रोल जो आपको, और या ऐसा होता है कि जब स्क्रिप्ट्स आती हैं तो एट टाइम्स यू हैव अ स्क्रिप्ट, यू लाइक द आइडिया, यू लाइक द रोल, बट बहुत कंपीटेंट है, बहुत मुश्किल लग रहा है, इसलिए चैलेंजिंग चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं, या जो इजीली या हमें पसंद होती हैं वो चीजें अच्छी लगती हैं? देखो मैं मतलब इंडस्ट्री में कोई भी एक्सेप्ट 10-12 स्टार छोड़ के सब, कोई भी अपना स्क्रिप्ट चूज नहीं कर पाते। सो आपके पास स्क्रिप्ट आती है तो मैं वो स्क्रिप्ट करता हूँ जिस स्क्रिप्ट के लिए मुझे बहुत सारा पैसा मिलता है, वो स्क्रिप्ट करता हूँ जो मुझे वो रोल मुझे करना होता है, और कुछ स्क्रिप्ट ऐसा करनी पड़ती है कि दोस्त है तो दोस्ती में ना करना, क्योंकि इट्स अ प्रोफेशनल एथिक्स। आज उसका काम में मैं ना कर दूंगा तो कल जब मुझे काम की जरूरत होगी वो ना कर देगा। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी यू नो दैट वे पॉलिटिकली करेक्ट भी होना जरूरी है, लाइक बच्चन साहब, यू कैन नॉट वाइल्डली से यस और नो, और ऐसी भी पिक्चर आप नहीं कर सकते हो कि जिसके बाद आपका करियर बर्बाद हो जाए। So you have to be very, very balanced. अभी by the way मैंने more than 70, मेरा 60, more than 50 तो IMDb में है, Wikipedia में कम है, Wikipedia मैंने वो नहीं किया, International Movie Database, IMDb, सुब्रदत्ता, it's more than 65, और क्योंकि मैं बहुत सारे इंडिपेंडेंट फिल्में करता हूँ और रीजनल फिल्में बहुत जल्दी जल्दी बनती है, तो ये है। और मैंने एक इंग्लिश फिल्म किया बिहाइंड द ट्रीज, वो रिलीज हुई थी,
एक और होने वाली है द बास्टर्ड, बंगाली में एक रिलीज होने वाले गुरुजी जिसमें मैंने कथक टीचर का रोल किया, हाफ मेल हाफ फीमेल, वो भी कंप्लीट होगी, डबिंग करना बाकी है। और हिंदी में कंप्लीट है टी फॉर ताजमहल, जिसको 6 अवार्ड मिल चुका है। एक अनपढ़ आदमी एक स्कूल खोलना चाहता है, वो है जो अनपढ़ आदमी मैं हूँ, विदित बाघ है जो बाबू मशाय बंदूकबाज में हीरोइन थी, वो हीरोइन है, मनोज पावा है जो दिल्ली से है और हीमैन जो ये है, ये सब इंडिपेंडेंट फिल्म। ये एक है बनारस वेनिला जिसमें मैं मेन पुलिस ऑफिसर हूँ, और एक जोसेफ जो ऑस्कर के पहला कंटेंट से लिस्ट में थी, मेरा टान नाम टाइप के साथ जोसेफ, जिसमें मैं जोसेफ का रोल किया, मैं और विक्टर बैनर्जी। सो दीज आर इंडिपेंडेंट। अब व्हाई यू आर सेइंग कि व्हाई दोस ऑल आर इंडिपेंडेंट फिल्म्स, यू सी मैं आई एम अबाउट 45, ओके। सो मैं आफ्टर 40 मैंने तय किया कि मैं, क्योंकि मैंने तेवर किया, रक्त चरित्र किया, शॉकिंग्स किया, मंगल पांडे 1, मंगल रक्त रचित 1-2, जमीन, टैंगो चार्ली, बहुत सारी। तो मुझे मेंटल इनिशियली कर रहा था कि ताकि पहचान बने, अरे एवरीबॉडी से यू आर ए गुड एक्टर, यू आर ए गुड एक्टर, यू आर ए गुड एक्टर, और बहुत सारी चीजें वर्कआउट नहीं हो पाई, 5% किस्मत, बाकी चीजें बन नहीं पाई खाली समय, जो नवाज का बन गया या ये पंकज त्रिपाठी का बन गया या आगे भी जो जूनियर्स है, तो हम लोगों में से ऐसा नहीं, कुछ 17-20 का फर्क है। और एक्टर्स के लिए हमेशा ये बात ध्यान रखना, अच्छी स्क्रिप्ट की जरूरत है, अच्छी स्क्रिप्ट नहीं होती कोई कितना भी बड़ा एक्टर हो, आमिर खान और बच्चन साहब दोनों मिलकर भी पिक्चर हिट नहीं करा पाए, पिक्चर अच्छी नहीं बना पाया, हिट तो दूर की बात है, पिक्चर बहुत खराब थी, बेहद खराब थी। हालांकि आमिर खान के साथ मैंने 2 पिक्चर की, तलाश और वो, तो भी पिक्चर जो खराब है बन नहीं पाई, आमिर खान ने खुद बोला। तो मैंने अभी इंडिपेंडेंट पिक्चर इसलिए शुरू किया कि उसमें एक मेन रोल होता है और मरने के बाद भी जीना चाहता हूं, तो मरना तो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जीना मेरे हाथ में मरने के बाद, तो मैं कैसे हो सकता है। तो एक एक्टर ऐसी फिल्में कर ले, जैसे माधोलाल फिल्म कीप वॉकिंग के लिए मुझे कायरो में बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था, एक ही एक्टर को अभी तक कायरो, दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिल्म फेस्टिवल, तो उसमें मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला माधोलाल कीप वॉकिंग। आज भी देखेंगे तो आज भी आपको लगेगा अरे कल की फिल्म है, ट्रेन ब्लास्ट के ऊपर है, उसमें स्वरा भास्कर मेरी बेटी बनी हुई थी, सो बुड्ढे का रोल किया था उस टाइम पे। तो मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ और मुझे लगता है इंडिपेंडेंट फिल्में अगर करूंगा तो ये पिक्चर इनिशियली, अभी तो ऑनलाइन बहुत मार्केट हो गया ऐप के जरिए, कोई भी ऐप उठा लो तो उसमें शायद खरीद रहे हैं, बट इसके जरिए मैं जिंदगी मरने के बाद भी लोग मेरा नाम लेंगे, और योगा तो मैं करता रहता हूँ। और कॉमर्शियल फिल्मों में क्या हो रहा था, मेरा टाइम हो जाता, पैसा बहुत दे रहा था वो लोग, 6 महीने के लिए टाइम बुक कर लिया और सितंबर में 4 दिन, अक्टूबर में 10 दिन। तो आई थिंक कि आफ्टर 45 समहाउ आई हैव टू डिसाइड व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ। कब तक रैट रेस में भागते रहेंगे, हर एक्टर ऐसे करते हैं, नहीं तो छोटे छोटे रोल करते 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 एक दिन पता। लेकिन अभी जो मैंने 30 पिक्चर मैंने मेन लीड कर लिया हिंदी या बंगाली मिला के, और मैं वो आप बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट फिल्म आर्ट फिल्म, वो पिक्चर कभी ना कभी लोग मरने के बाद भी देखेंगे। ये सलमान खान की पिक्चर की तरह नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि जैसे शॉकिंग्स नहीं है जो मैं भी करता हूँ, मैंने भी किया वो पिक्चर, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, ऐप में भी बहुत काम कर रहा हूँ अभी तक, अमेरिका से फ्लोरिडा से मेरा योगा देख रहा है कि उन्होंने चेक किया, अरे माधव आप ही थे, ओके। सो यू सी दैट काइंड ऑफ, तो ये अच्छा लगता है यार यही।